आपके साथ कंचन। अब हम आपको मुंबई ले चलते हैं। मुंबई में पिछले 15 साल से गणपति उत्सव में बप्पा के दर्शन करने जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा के बीजेपी के विधायक रमेश चंद्र मिश्र लगातार पहुंचते हैं। इस दौरान अपने क्षेत्र वासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का भी काम करते हैं। मुंबई के वर्ली में ब्लॉक प्रमुख रमेश हरिवंश सिंह के आवास पे कई लोगों से मुलाकात की गई और मीडिया से भी बातचीत कर उत्तर प्रदेश और खासकर बदलापुर बदल रहा है ऐसा भी बताया गया। उनका कहना है कि पहले की सरकार से अच्छा विकास हमारी सरकार कर रही है। क्षेत्र में बिजली पानी और सड़क का हालत पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं ऐसा बताया जाता है कि वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा विशेष महत्व दिया जा रहा है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। रमेश मिश्र के साथ पंकज मिश्रा, उग्रसेन सिंह, अजय तिवारी, कल्लू शुक्ल सहित तमाम लोगों की उपस्थिति देखी गई। रमेश मिश्र ने आगामी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील क्षेत्रवासियों से की। आपका सबसे पहले तो स्वागत है आपके मुंबई में। क्या कुछ कार्यक्रम रहा ये मुंबई विजिट का, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें जी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं 2004 से मुंबई गणपति के अवसर पर मैं आता हूँ और मेरा एक उसके पीछे उद्देश्य भी रहता है। एक तो बप्पा का दर्शन भी हो जाता है और दर्शन के साथ साथ हमारा जो जिला जौनपुर है अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों में सबसे ज़्यादा संख्या अगर कहीं की होगी तो जौनपुर जनपद की होगी। तो होता क्या है कि बप्पा का दर्शन भी हो जाता है और अपने गार्जियंस का, अपने मित्रों का, अपने सुखचिंतकों का उनके घर पर जा कर के उनसे मुलाकात, उनका आशीर्वाद भी ले लिया जाता है और उत्तर प्रदेश की हम लोग चर्चा भी यहाँ पर करते हैं। और यह मेरा सिलसिला 2004 से आज तक चल रहा है और जब तक जीवन रहेगा तब तक साल में तो एक बार जो है गणपति बप्पा का दर्शन करने में अवश्य आऊँगा और बड़ी सीख भी मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी उत्तर भारतीय मुंबई में रहते हैं, अब आप ये जान लीजिए कि हम लोग कई प्रदेशों में जब जाते हैं, चाहे आंध्रा हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, किसी भी सिटी में जाइए तो उत्तर भारतीय आपको उत्तर प्रदेश के लोग हर जगह मिलेंगे, लेकिन कहीं आप पता नहीं कर सकते कि आपके उत्तर प्रदेश के लोग किस शहर में हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर अगर कोई भी उत्तर भारतीय आ जाए, छोटा से लेके बड़ा तक कोई भी गांव का व्यक्ति अगर आ जाए तो सब लोग उसका सम्मान करने के लिए, उससे मिलने के लिए जरूर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने गांव से लोग जुड़े हुए हैं जो भी मुंबई में रहते हैं। सबसे पहला वो घर में भले उनके ताला लगा हो लेकिन चार महले की बिल्डिंग वहां पर बनवाएंगे, अपने घर के सामने बढ़िया वो जो है व्यवस्था रखेंगे और साल में एक बार दो बार शादी विवाह सुख और दुख ऐसे सारे कार्यक्रमों का आयोजन अपने घर से करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्तर भारती अगर मुंबई में है तो आप ये जान लीजिए कि पूरा क्षेत्र जानेगा कि फला घर के लोग मुंबई रहते हैं। अगर वो बेंगलोर है, दिल्ली है या किसी भी शहर में है तो लोग नहीं जान पाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बप्पा का, मुंबा देवी का एक ऐसा आशीर्वाद है कि लोगों को अपने गांव से जो है जोड़ के रखा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुंबई में रहने वाले अपने उत्तर भारतीयों को कि वो हमेशा अपने गांव की, अपने उत्तर भारत की, अपने उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है यहां आकर के लोगों से मिल करके और उनसे बात करके। किस किस पंडाल में गए और लोगों का किस प्रकार का रिएक्शन रहा? उत्तर भारतीय लोग बड़ी तादाद में आपसे, आपने मुलाकात की उनसे और खास करके ये विधानसभा चुनाव भी यहाँ पे होने वाला है महाराष्ट्र में, तो कुछ जवाबदारी दी गई है या कुछ आपको इनपुट दिया गया था कि हाँ कुछ जाके एकत्र करो, उनको समझाओ कि भाई विधानसभा चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र में, उसके मद्देनजर ये मीटिंग थी आपकी? देखिए मैं आपको एक जानकारी यह देना चाहूंगा कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है, योगी जी हमारे वहां मुख्यमंत्री जी हैं, आपके महाराष्ट्र में भी हमारी ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी यहां के मुख्यमंत्री हैं। और मैं यह समझता हूं कि तीनों के बारे में हर जन, हर जात का व्यक्ति यह जरूर कहता आपको मिलेगा कि बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बहुत योग्य, बहुत ही कर्मठशील व्यक्ति है। तो रही बात प्रचार प्रसार की, मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाला जो चुनाव है, केशव मौर्य जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको यहां पर सह प्रभारी बनाया गया है और कहीं ना कहीं उनके साथ हमको भी लगना है। और हम जल्द ही जो है गणपति बप्पा के इस कार्यक्रम के बाद जब मैं जाऊंगा तो अगले महीने हम ही नहीं,
खासकर चूंकि उत्तर प्रदेश ज्यादा टारगेट पर रहेगा, चूंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, मैं समझता हूं बहुत सारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति आपके मुंबई में आकर के लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों को नीतियों को बताने का काम करेंगे और पुनः यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब लोग अपना पूरा का पूरा योगदान देंगे और पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। रमेश जी, विधायक रमेश जी मिश्रा की अगर बात करें, जब गरजते हैं विधानसभा में तो अच्छे अच्छे की मतलब आंखें ही नहीं, सांसें भी थम जाती है, कैसे कर लेते हैं? जनता का आशीर्वाद है हमारे बदलापुर के 3,70,000 जो हमारी जनता है बदलापुर की, उनके आशीर्वाद से हमको आज विधायक बनने का अवसर मिला। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक विधायक का कर्तव्य और धर्म होता है कि जनता की बात को सदन में पहुंचाना, संबंधित विभाग के अधिकारी को, संबंधित विभाग के मंत्री को, मुख्यमंत्री तक जनता की आवाज को पहुंचाना। विधायक विधानसभा का मात्र एक सदस्य होता है और सदस्य का हमारा काम ही है हल्ला करना, हमारा काम है जनता की बात को ऊपर तक रखना। तो जनता ने अगर मुझे विधायक बना है तो मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है कि मैं जनता के बीच में रहता हूं और रह करके उनकी समस्याओं को समझता हूं और समझने के बाद मैं ऊपर तक पहुंचाता हूं। आज उसी की देन है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बदलापुर को ITI दिया, फायर स्टेशन दिया, बस स्टेशन दिया, 60 गांव को जोड़ने वाला 8 करोड़ रुपए का पुल दिया, 500 करोड़ रुपए की सड़कें दिया। यह तभी संभव है जब ऊपर का आशीर्वाद होता है। और ऐसे अगर MLA कहूं तो एक MLA की विधायक निधि 2 करोड़ रुपए होती है और हमारे अंडर में अगर देखा जाए तो हमारी विधानसभा में लगभग 300-350 ग्राम सभा आती है। अगर देखा जाए तो 2 करोड़ रुपए से मैं 1 ग्राम सभा का भी विकास नहीं कर सकता, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का और मुख्यमंत्री का सहयोग होना अति आवश्यक है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम बदलापुर का विकास कर रहे हैं। जनता की जब बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज हम बनते हैं, जनता की बात करते हैं, तो जो विरोधी है उनके पेट में दर्द होना लाजमी जब आप जनता की बात। अब देखिए, ये तो आप समझिए कि विरोधियों का काम क्या है, विरोध करना। विरोधी सिर्फ उसका काम है विरोध करना, उसको और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन मेरा काम है काम करना। विरोधियों का जवाब मैं जबान से नहीं दूंगा, विरोधियों का जवाब मैं जबान से नहीं दूंगा। रमेश मिश्रा जो विधायक बदलापुर है उसका काम उसका जवाब देगा, ये मेरा नारा है और ये मेरी सोच है कि मैं विरोधी से इस तरीके की कोई भी कमेंट करे मैं उसका जवाब नहीं दे करके मैं अपने विकास से मैं जवाब दूंगा और मैं जवाब दूंगा जनता को, ना कि विरोधी को। मेरा जवाबदेही जो है जनता से, जिन्होंने मुझे विधायक बनाया है, तो हम जनता को जवाब दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनता को जवाब देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जनता जवाब देते हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लेते हुए हम भी जनता को जवाब देते हैं। देखिए, पूरा देश उन समस्त वैज्ञानिकों के साथ है और पूरे देश की इच्छा थी कि सैटेलाइट सही जगह पर पहुंचे। अब कुछ कमियां रही होंगी, मैं कहता हूं कि चंद्रयान हमारा जो चंद्रमा तक पहुंचा हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करके हम चंद्रमा तक अवश्य पहुंचेंगे, इसका हम लोगों को विश्वास है, अपने वैज्ञानिकों के ऊपर हमको पूरा भरोसा है।